हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 2 में सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी में भी एक्सरसाइज नंबर 4, 1.4 ये एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। और ये वीडियो भी छोटा हो जाएगा क्योंकि एक्सरसाइज छोटी है और ईजिएस्ट मैनर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। और इससे पहले वाले जो एक्सरसाइज है, मतलब 1, 2 और 3, तो उसकी लिंक मैं ऊपर दे दूंगा, आप पहले वो वीडियो जाके देख लो। और सबसे पहले वाली वीडियो थ्योरम्स वाली वो तो देखो ही, क्योंकि उसमें जो लास्ट वाला थ्योरम है उसी थ्योरम को यूज करके ये एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो अगर पहले वाले वीडियोस नहीं देखे तो पहले वो देखो, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये वीडियो ये न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है ये एक्सरसाइज डायरेक्टली स्टार्ट कर देते। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो इसका प्रॉब्लम इसका जो थ्योरम है वो मैंने थ्योरम वाले वीडियो में दे दिया था, सबसे पहले वाली वीडियो। तो उसमें बोला गया था कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल एक दूसरे को अगर सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में तो होते ही है, लेकिन इस थ्योरम में उसका अगर एरिया फाइंड आउट करूँगा, मतलब दो अगर कोई ट्राइंगल्स रेशो में सिमिलर है तो उनके एरियाज का अगर मैं रेशो फाइंड आउट करूँगा तो वो रेशो इज़ इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर हो जाता है। मतलब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो मिल जाता है। मतलब अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में करूँगा डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR करूँगा तो उनकी कोई भी एक साइड का स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा, मतलब AB का स्क्वायर डिवाइड बाय PQ का स्क्वायर, ऐसी हो जाती है वैल्यू। ओके, तो ये थ्योरम मैंने प्रॉपर मैनर में एक्सप्लेन किया है और ये एग्जाम में आता ही है, 3 या 4 मार्क्स के लिए आएगा। तो वो थ्योरम वाली वीडियो में जाके देख लो, वही यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखो उन लोगों ने दिया क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5, देन फाइंड देयर रेशियो। तो मैं क्या करूँगा, रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स दिया है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रेशियो ऑफ साइड्स इज इक्वल टू कितना दिया है, 3:5 दिया है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओके, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे डायरेक्टली स्टार्ट कर दूंगा, तो एरिया ऑफ गिवन द रेशियो ऑफ, यहाँ पे पहले लिखूंगा द रेशियो ऑफ गिवन रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ लिखता हूँ, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल्स। ओके, तो ये मैंने लिख दिया, तो रेशियो मिल रहा है, रेशियो किसका, एरिया का रेशियो मिल रहा है, मतलब उन लोगों ने दिया है। तो क्या करूँगा, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, साइड का स्क्वायर डिवाइड बाय साइड का स्क्वायर। तो उनके साइड का रेशियो कितना दिया उन लोगों ने, 3/5 ना, तो यहाँ पे 3/5 तो आएगा लेकिन 3 का भी स्क्वायर आएगा और उसके बाद 5 का भी स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू उनके साइड का स्क्वायर का रेशियो होता है। तो साइड का स्क्वायर, साइड का रेशियो क्या दिया उन लोगों ने, 3:5, तो उसका स्क्वायर आएगा, तो आंसर आएगा 9/25। इतना ही आंसर है आप लोगों का, दैट्स इट, यही करना है। अगर तुम लोग बोलोगे सर ये तो रेशियो दिया था, अगर नेक्स्ट न्यूमेरिकल में रेशियो अगर दिया नहीं होगा, रेशियो अगर दिया नहीं होगा तो कोई तो साइड्स गिवन दिए होंगे उनका स्क्वायर कर दो और डायरेक्टली डिवाइड कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, इसी ईजिएस्ट मैनर में इसे सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होते, यहाँ पे सर यहाँ पे लिखा क्या जाए, अरे अपने ओन वर्ड्स में लिखो ना, ओन वर्ड्स में लिखो जहाँ पे ये, मतलब यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे एरिया ही होगा, एरिया का रेशो ही होगा, उतना दिमाग में रखो और लिखो। अपने ओन वर्ड्स में लिखोगे तो भी चलेगा, उनसे उनको आंसर से मतलब है। ओके, समझ में आ रहा है ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया। ये तो हो गया न्यूमेरिकल 1, इसके बाद सेकेंड वाला स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड मैंने बोर्ड पे लिख दिया, माय मिस्टेक, सेकंड और थर्ड भी लिखा, दोनों में ही मैंने लिख दिए है। अब इनको सॉल्व कैसे करना है ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे उन लोगों ने बोला है फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब 1 या 2 मार्क्स के लिए आ जाते हैं ये क्वेश्चन, सिर्फ बॉक्स दिया होता है और बॉक्स के अंदर वैल्यू पुट करनी होती है। तो इसमें थ्योरम कौन सा यूज़ होगा, अपना लास्ट वाला थ्योरम जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि एरिया का अगर रेशियो होगा तो वो इज इक्वल टू साइड्स के स्क्वायर के रेशियो इतना होता है, तो वही रूल इसमें यूज़ करना है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, पहले बोलते हैं क्या दिया है। उन लोगों ने बोला है ट्राइंगल ABC दिया, ABS लिखा है क्या मैंने यहाँ पे, ABC है ट्राइंगल, चलो। तो अगर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR बोला है, दोनों एक दूसरे को सिमिलर है, तो मैंने क्या बोला था, अगर ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं। ओके, तो उसके साइड्स भी दिए, देखो करस्पॉन्डिंग AB और PQ करस्पॉन्डिंग साइड्स दिए, तो उनका रेशियो क्या दिया है, 2:3,
उनका रेशियो दे दिया है 2:3। तो उसके बाद क्या करना है, देखो उसके बाद क्या करना है, रेशियो फाइंड आउट किया है किसका, एरिया का। तो रेशियो एरिया का, एरिया का रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, साइड के स्क्वायर का रेशियो, साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। तो यहाँ पे ऑलरेडी ए बी दिया है, तो अगर ए बी का स्क्वायर है तो ए बी के साथ क्या है, पी क्यू, तो यहाँ पे क्या आएगा, पी क्यू का स्क्वायर, सिंपल एज इट इज सिंपल आएगा। तो अब ए बी डिवाइड बाय पी क्यू, तो इसका रेशियो क्या दिया है, 2:3। तो ए बी और पी क्यू का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर आएगा, 3 का भी स्क्वायर आएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं 9। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। ये हो गया आपका आंसर, खत्म। सेकंड क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, दो मार्क्स के लिए तो आते, एक या दो मार्क्स के लिए आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बोल देते कि सर फिलिंग द ब्लैंक्स था और कौन सा रूल यूज करना था पता नहीं था। अरे सिंपल रूल यूज करना था, समझ में आ रहा है। थर्ड में चले जाते हैं, चलो थर्ड में भी देखो उन लोगों ने क्या बोला है कि दो ट्रायंगल सिमिलर तो दिए, ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर एक दूसरे को सिमिलर है, तो सिमिलर होंगे तो सेम करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होते हैं, ओके। तो उन लोगों ने क्या दिया, यही रूल यूज करना है। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया दिया है 80 और ट्रायंगल पीक्यूआर का एरिया दिया है 125, तो फिल इन द ब्लैंक्स बोला है। तो चलो ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना दिया है 80, उसके बाद 125 दिया है किसका एरिया, पी क्यू आर का, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर दिया है 125। तो उसके बाद उन लोगों ने क्या बोला है कि ठीक है चलो, अब ये 80 मिल रहा है ना और ये 125 मिल रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन से रेशो में होगी। देखो पहले क्या किया था, रेशो दिया था तो मैंने उनका स्क्वायर किया और आंसर मिला है। तो मेरे को देखो यहाँ पे एरिया का रेशो इज इक्वल टू स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो मेरे को इन साइड का, सॉरी इस नंबर का मेरे को स्क्वायर रूट निकालना होगा तो मेरे को वैल्यूज मिलेगी। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे जो नंबर दिए उनका स्क्वायर कर दिया तो आंसर मिल गया, मतलब एरिया को इक्वल मिल गया। सेम यहाँ पे ऑलरेडी एरिया दिया है तो मेरे को साइड निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस एरिया का मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालूंगा, तो देखो यहाँ पे तो 16 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो 16 × 5 = 80 होता है ना, बराबर है, इतना तो मेरे को आता है, यस। चलो 16 × 5 = 80 और 125, तो 125 को भी क्या लिख रहा हूँ, देखो मैं 125 × 5 आएगा, समझा, 125 × 5 = मतलब 25 के 5 आएगा 125। इसमें देखो 5 कैंसिल हो गए, कौन सी वैल्यू बच रही है, 16 / 25। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पहले मैंने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, रिड्यूस कर दिया, अब मैं इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा। तो 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4, और वो हमारी फर्स्ट साइड होगी, वो हमारी फर्स्ट साइड होगी, तो ये मिल गई फर्स्ट साइड। 16 का स्क्वायर रूट निकाला तो फर्स्ट साइड मिल गई, यहाँ पे वही तो होता है ना रूल, देखो इसका स्क्वायर करूंगा तो आंसर, यहाँ पे आंसर मिला है, उसका स्क्वायर रूट करूंगा तो ये मिलेगा। तो 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ये हो गया आपका आंसर, दैट्स इट। और एग्जाम में भी आप लोगों को क्या करना है, एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे ये सॉल्विंग करोगे तो ये रफ में करनी है, डायरेक्टली आंसर लिखना है, 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड का बहुत ईजीएस्ट टॉपिक है, लेकिन स्टूडेंट्स ऑप्शन में डाल देते हैं क्योंकि डायग्राम्स होते हैं, ईजीएस्ट तो है और वेटेज वाला भी है, समझ में आ रहा है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, तो इसके बाद वाला न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोर्ड पर लिख दिया है और ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ही है और ईजी तो है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखो दिया क्या है, दो ट्राइंगल्स गिवन दिए हैं, ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। देखो सिमिलर तो उन लोगों ने डायरेक्टली बोला है, तो अगर सिमिलर बोला होगा तो क्या होंगे, उसके सेम साइड, उसके करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशो में होंगे, ओके। चलो तो ये दो ट्राइंगल्स दिए हैं और उसके बाद ये कंडीशन दिए, देखो ये वाली कंडीशन, तो मैं क्या करता हूँ, पहले वो कंडीशन यहाँ पे लिख देता हूँ, 9 × एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 × एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, ओके, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद गिवन क्या दिया है, QR इज इक्वल टू 20 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ MN बोला है, ओके। तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इसका मैं एरिया का रेशियो निकालूंगा डायरेक्टली, तो कैसे करूँगा ये देखो, पहले ये एरिया 16 को मल्टीप्लाइड है, अगर मैं इसे उठाऊंगा यहाँ पे ले जाऊंगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ये 9 भी यहाँ पे मल्टीप्लाइड है तो इसे भी डिनोमिनेटर में लेके चला जाऊंगा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN
क्या किया, इसे डिनोमीटर में लाया मैं, तो यहाँ पे 16 एज इट स्टार डिवाइड बाई ये 9 डिनोमीटर में आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 9। समझ में आ रहा है क्या किया है मैंने, रेशियो निकाला। मतलब तुम लोगों को समझ में आया कि एरिया का रेशियो मिल गया मेरे को 16/9, तो ये वैल्यू इसे मैं नंबर 1 दे देता हूँ। उसके बाद क्या बोला है देखो, ट्राइंगल्स की एक साइड दी है 20 और सेकेंड साइड बोला है फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आ रहा है, एक साइड दिए उन लोगों ने 20 और सेकेंड साइड बोला है कि तुम लोग इसे फाइंड आउट करो। तो कैसे करोगे देखो, तो ये एरिया, तो मैं प्रॉपर इक्वेशन लिख देता हूँ। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन ओके इज इक्वल टू, ये दोनों ट्राइंगल तो एक दूसरे को सिमिलर है, अगर कोई भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो एरिया का रेशियो होता है तो वो रेशियो किसको इक्वल होता है, उनके कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो इतना होता है। तो कोई भी करस्पॉन्डिंग साइड्स, तो यहाँ पे देखो एक करस्पॉन्डिंग साइड दी है क्यू आर, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू दी है एम एन। देखो ये वाला ट्राइंगल है ना, तो क्या दिया है देखो, यहाँ पे क्यू आर दिया है, मतलब ये दिया है ना, तो उसका करस्पॉन्डिंग होगा एम एन, तो वही दिया है। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर रेशियो है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, वो तो मैंने बोला था। तो देखो यहाँ पे PQ मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्यू आर डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इसकी वैल्यू किसको इक्वल है 16/9, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा 16/9 इज इक्वल टू यहाँ पे QR, QR की वैल्यू क्या है 20, तो मैंने यहाँ लिख दिया 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय MN, तो डिवाइड बाय MN का स्क्वायर। तो मेरे को MN की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो MN को मैं इस तरफ लेके चला जाऊंगा, बाकी के सारे नंबर एक साइड में, तो MN का स्क्वायर इज इक्वल टू ये 20 का स्क्वायर था, तो 20 का स्क्वायर क्या होगा 400, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 400 इनटू ये 9 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 9 डिवाइड बाय 16। तो एक काम करो, पहले ना डिवाइड करने से पहले स्क्वायर रूट निकाल दो, क्योंकि सारे नंबर स्क्वायर रूट वाले ही है, इजीली आंसर दे देंगे। तो क्या करूँगा मैं, मेरे को एम एन की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एम एन स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर रूट चला गया, यहाँ पे आ गया एम एन 400 का स्क्वायर रूट होगा 20 इंटू 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 डिवाइड बाई 16 का स्क्वायर रूट होगा 4। तो अभी डिवाइड करो, तो 4 1 4 5 20 हो गया, 5 3 15, दैट मीन्स एम एन इज इक्वल टू 15 मिल रहा है, कुछ सेंटीमीटर दिया है क्या, नहीं, तो आपका आंसर आ गया एम एन इज इक्वल टू 15। दैट्स इट, इसी मैनर में सॉल्व करना है। सर आपको इतने फास्ट कैसे आ जाता है, मेरे को प्रैक्टिस है, दैट्स वाई मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। तो तुम लोगों को भी क्या करना होगा, प्रैक्टिस तो करनी होगी, टेंथ इतना ईजी है ही नहीं, टेंथ को अगर ईजी बना है ना तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। और हमारे वीडियोस देखो तभी आपको पता चल जाएगा कि कौन से ईजीएस्ट मैनर में सॉल्व करना है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 4, तो इसके बाद वाला न्यूमेरिकल अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत इजी है, ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ये भी इंटरेस्टिंग है। और इसे कैसे फटाफट सॉल्व करना है तो मैं बता देता हूँ, पहले पूरा पढ़ लो कि क्वेश्चन दिया क्या है और कौन से थ्योरम से सॉल्व होने वाला है। देखो द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स टू सिमिलर, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिमिलर ट्राइंगल आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर 81 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 सेंटीमीटर देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग बिगर साइड। समझ में आ रहा, मतलब दो कोई भी ट्राइंगल्स है वो एक दूसरे को सिमिलर है, मतलब एक ट्राइंगल बड़ा हो सकता है बिगर ट्राइंगल और एक स्मॉलर ट्राइंगल है, वो दोनों एक दूसरे को सिमिलर है ये बोला है। बिगर ट्राइंगल का एरिया दिया है 225 और स्मॉलर का एरिया दिया है 81। ओके, तो स्मॉलर और बिगर का एरिया दिया है तो स्मॉलर और बिगर के साइड्स भी एक साइड दिए, कौन से वाले की साइड दी है, स्मॉलर की साइड दी है 12, तो बिगर वाले की साइड फाइंड आउट करना है। तो मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा पहले, एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, ओके एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसके बाद एरिया ऑफ स्मॉलर, ओके एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना आएगा 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, उसके बाद साइड दी है ना, साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ओके तो साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल दिया है उन लोगों ने 12 सेंटीमीटर, तो क्या फाइंड आउट करना हमें, बिगर ना, तो बिगर ट्राइंगल की एक साइड फाइंड आउट करनी। तो मैं क्या करूँगा, उसे कंसिडर करूँगा कुछ x सेंटीमीटर कंसिडर कर लेता हूँ। चलो
एक सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द थ्योरम ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, या फिर ऐसे लिखूंगा द थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यहाँ पे मैं लिखूंगा द थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो रेशियो क्या होता है, ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का रेशियो। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे देखो लिख रहा हूँ मैं एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखूंगा एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, तो ये ऐसे मैंने, तुम लोग अगर ट्राइंगल कंसिडर करोगे ए बी सी और पी क्यू आर तो भी चलेगा। मैंने क्या किया है, बिगर ट्राइंगल ऊपर लिख दिया, तो बिगर ट्राइंगल की साइड भी ऊपर ही आएगी। तो देखो बिगर ट्राइंगल की साइड क्या कंसिडर किए, एक्स। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, तो ये वाली साइड मैंने यहाँ पे लिख दी। सेम यहाँ पे मैं लिखूंगा साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल। ओके, तो देखो एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल कितना दिया है, 225, वो मैंने लिख दिया। डिवाइड बाई ये कितना दिया है, 81, वो भी लिख दिया। बिगर साइड क्या दी है, x कंसिडर किया तो x लिखो, और स्मॉलर साइड क्या दी है, 12, तो ये 12 दे दिया है। लेकिन तुम लोगों को इतना समझ में आ रहा है क्या कि एरिया ऑफ बिगर ट्राइंगल डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल तो दिया है, तो वो इक्वल होता है साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, तो साइड के स्क्वायर्स को इक्वल होता है वो। ये समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, यहाँ पे भी क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा। समझ में आ रहा है, वो दोनों इक्वल नहीं होते, उनके स्क्वायर को इक्वल होते हैं, स्क्वायर का रेशो जो होता है उसको इक्वल होते हैं। तो ये तो हो गया, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर देते हैं। हमें क्या करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक्स को यहाँ पे रखो, बाकी सारे नंबर उस तरफ लेके चले जाओ। तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 12 ना, तो 225 इंटू आएगा 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय, एक काम कर दे 12 का स्क्वायर इसी टाइम पे यहाँ पे 144 लिख दो, और डिवाइडेड बाय 81। ओके, तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा स्क्वायर रूट निकालूंगा, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो एक्स यहाँ पे एज इट इज आएगा, इसका स्क्वायर रूट 225 का स्क्वायर रूट क्या हो सकता है, 15 का स्क्वायर है ना 225, तो 15 आएगा, तो यहाँ पे लिखूंगा 15, 144 किसका, 144 का स्क्वायर रूट आएगा 12, डिवाइड बाय 81 का स्क्वायर रूट आएगा 9। अब डिवाइड करो, देखो 3 4 12, उसके बाद 3 1 3 5 15, 5 4 20, मतलब x की वैल्यू मिल गई 20। यहाँ पे देखो सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ पे भी आंसर आएगा सेंटीमीटर्स में। तो तुम लोग नीचे एक स्टेटमेंट लिखना, द साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर, दैट्स इट। इतना ही सॉल्व करना, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। पहले तुम लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालो, इसके बाद आप लोग नोट्स बना सकते हो घर पे, खुद से नोट्स बनाओ, नोटबुक ले लो, और उसमें एक्सरसाइज एज इट इज़ मैंने जो एक्सप्लेन किया उसी मैनर में सॉल्व करना है। अगर ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा आज, लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें से एक या दो न्यूमेरिकल बच गए होंगे, वो चैप्टर भी आज ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद वाली जो वीडियो होंगी उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर ले आऊँगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, इसके बाद वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कैसे सॉल्व करना है, उसी मैनर में, तो फटाफट सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि बहुत एक्सप्लेन कर दिया है मैंने ये न्यूमेरिकल इससे पहले वाले, तो इसे भी फटाफट सॉल्व कर देते हैं। दे लो क्या दिया है, देखो उन लोगों ने दो ट्राइंगल दिए, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर दी इक्विलैटरल ट्राइंगल। ओके, दोनों एक दूसरे को इक्विलैटरल ट्राइंगल है बोला है उन लोगों ने, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, तो इसे क्या करना है, पहले दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। समझ में आ रहा है, इसमें एक भी वर्ड सिमिलर नहीं है, या फिर एक भी सिमिलर का सिंबल नहीं है, तो तुम लोगों को पहले वो दो ट्राइंगल सिमिलर दिखाने होंगे, उसी के बाद वो रूल यूज़ कर सकते हो। ओके, तो कौन से दो ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ को सिमिलर दिखाना है, उन लोगों ने बोला है दोनों इक्विलैटरल ट्राइंगल है, दोनों ही ट्राइंगल इक्विलैटरल है, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या, इक्विलैटरल ट्राइंगल जिनके ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, तो तीन एंगल्स तो होते होते, तीन एंगल्स इक्वल होंगे, तो एंगल इक्वल होने वाला कौन सा एंगल होता है, 60 60 60। तो मैं क्या करूँगा, दो ट्राइंगल्स यहाँ पे देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पे दोनों ही इक्विलैटरल है, दोनों ही इक्विलैटरल, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन से ट्राइंगल दिया, ए बी सी दिया, तो ए बी सी और डी ई एफ दिया। अगर ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो तीनों एंगल्स सेम आएंगे, सॉरी समझ में आ रहा है, तीनों एंगल्स सेम आएंगे, तो मेरे को क्या करना है, पहले इनको
दिखाना है ना, सिमिलर दिखाना है, तो दिखाने के बाद ही हम लोग थ्योरम यूज कर सकते हैं लास्ट वाला। ओके, तो पहले ट्रायंगल लिख दो। तो ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, तो पहले इन्हें सिमिलर दिखाना होगा। तो सिमिलर दिखाने के लिए 9th स्टैंडर्ड का एक रूल हुआ था, समझ में आ रहा है? अगर कोई भी एंगल सिमिलर हो सकते हैं, या फिर प्रीवियस वाले न्यूमरिक आई मीन एक्सरसाइज में मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई दो एंगल्स भी सिमिलर होंगे, सेम होंगे, फिर भी ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ना, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को सिमिलर है, ये वाला भी सिमिलर है, और ये वाला, मतलब तीनों ही एंगल एक दूसरे को सिमिलर मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, देखो कौन सा एंगल, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल डी, ओके, उसके बाद एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ई लिखता हुआ, यहाँ पे ई आएगा, उसके बाद एंगल सी कॉन्ग्रेंट एंगल एफ। ओके, मतलब एंगल तो तीनों ही सेम है, तो तीनों को मैं एक ही रीजन लिखूंगा, तीनों को मिलकर एक ही रीजन लिखूंगा। देखो रीजन क्या लिख रहा हूँ मैं, ये तीनों मतलब ये दोनों एंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल्स एंगल्स इन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर इक्वल। ओके, ये लिख दिया मैंने रीजन, मतलब रीजन क्या लिखा है, सारे एंगल्स इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, दैट्स व्हाई ये दोनों भी एक दूसरे को इक्वल हो गए। अब देखो दोनों अगर तीनों तीनों एंगल्स अगर एक दूसरे इक्वल है, देयर फॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल डी ई एफ, और इसका रीजन क्या आएगा, कौन सी टेस्ट होगी यहाँ पे, तो देखो ना तीनों ही एंगल है, तो टेस्ट आएगी ए टेस्ट, समझ में आ रहा है? मतलब तीनों दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। अब देखो अब ट्राइंगल सिमिलर मिल गए हैं, अब हम लोग वो थ्योरम यूज कर सकते हैं जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूज़ किया था। ओके, तो कौन सा थ्योरम, कि एरिया क्या होता है, एरिया का रेशियो इज इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो इतना होता है। तो एरिया का रेशियो तो मैं क्या करूँगा, लिख दूंगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ओके, तो इज इक्वल टू क्या करूँगा, इसकी देखो कौन सी साइड दी है, या फिर पहले रेशियो में लिख देता हूँ। देखो ए बी सी डिवाइड बाई डी ई एफ, तो इनका रेशियो क्या दिया है, 1:2, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1:2 दिया है रेशियो। ओके, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, द थ्योरम या फिर थ्योरम यूज कर रहा हूँ, द थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, इसके सारे वैल्यूज आई मीन सारे साइड्स रेशियोज में आएंगे, लेकिन उन्होंने देखो एक साइड गिवन दी है ऑलरेडी, तो सिर्फ वही लिखो ना, रिमेनिंग वाले लिखने की कोई ज़रूरत तो है ही नहीं। तो ऊपर ए बी है, ए बी सी ट्राइंगल है, तो उसकी ए बी साइड आएगी और डिवाइड बाई डी ई आएगी, समझ में आ रहा है? लेकिन थ्योरम ये बोलता है कि साइड का स्क्वायर होता है, तो इसके भी साइड का स्क्वायर आ गया, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने, साइड का स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करो और आंसर मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ कितना है, 1/2, तो यहाँ पे आ गया 1/2 इज इक्वल टू ए बी, ए बी की वैल्यू क्या है, 4, तो ए बी का स्क्वायर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा मैं, डी सी, यहाँ पे डी सी लिखा क्या मैंने, डीई आएगा यहाँ पे डीई आएगा, ओके माई मिस्टेक, डी ई आएगा उसका स्क्वायर। तो मेरे को डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसे एक तरफ लेके जाओ, बाकी के सारे वैल्यूज एक साइड में, तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इन टू 2। मेरे को डी ई की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे डी ई का स्क्वायर है, तो मैं क्या करूँगा, स्क्वायर रूट। ओके, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ओके, तो स्क्वायर रूट मिल गया, तो स्क्वायर रूट कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डी ई इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2, और उसके बाद यहाँ पे 4 ही है ना, नहीं स्क्वायर रूट आएगा 4 का 4 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में स्क्वायर और ये 2 चला गया, स्क्वायर रूट और ये 2 चला गया ना, तो ये 4 एज इट इज आएगा, एंड इन टू यहाँ पे 2 के साथ कुछ नहीं है, तो 2 का स्क्वायर रूट आएगा √2। मतलब फाइनल आंसर क्या मिल रहा है आपको, 4√2। यहाँ पे कुछ सेंटीमीटर या कुछ दिया है क्या, नहीं, तो फाइनल आंसर आ गया आपका ये, दैट्स इट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसे प्रैक्टिस करो घर पे कैसे सॉल्व करना है, और फास्ट अगर कैलकुलेशन करोगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 था, इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 मैंने बोर्ड पे लिख दिया है और ये भी एक एक्टिविटी होने वाली है। एक्टिविटी टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में 2, मोस्टली 3 या 4 मार्क्स के लिए हो जाते हैं, तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है, तो एक्टिविटी मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख दी है, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। देखो ये एक डायग्राम गिवन दिया उन लोगों ने और उस डायग्राम में देख के इसे सॉल्व करना है। तो गिवन देखो क्या किया गया, इन द फिगर पी क्यू पैरेलल टू डी ई मना है, ओके बोला है पी क्यू पैरेलल टू डी ई, मतलब ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है ये बोला है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ दिया है, ओके एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ उन लोगों ने गिवन दिया है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ मतलब पी क्यू एफ, पी क्यू एफ ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना उसका एरिया गिवन दिया है, ओके चलो आगे चलते हैं। तो पी एफ की वैल्यू दी है 2 times dp, मतलब पी एफ इज इक्वल टू 2 times dp एंड गिवन क्या दिया है और कुछ दिया नहीं है। चलो तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ मैंने लिख दिया 20 units, मतलब उन लोगों ने दिया ही होगा। उसके बाद पी एफ 2 times dp है, तो मैं क्या अज्यूम करूँगा, ये पी एफ और ये डी पी, तो मैंने क्या किया डी पी को एक्स अज्यूम किया, अगर इसे एक्स अज्यूम किया तो इसके डबल है ये, तो ये क्या हो गया 2x हो गया ना, समझ में आ रहा है। तो वही लिखा है मैंने पी एफ कितना हो गया 2x, तो 2x लिख दिया, तो टोटल डी एफ कितना होगा x plus 2x 3x होगा ना टोटल डी एफ या फिर एफ डी। तो यहाँ पे देखो डी एफ इज इक्वल टू डी पी, मतलब डी पी प्लस प्लस क्या आएगा टोटल डी एफ क्या होता है डी पी प्लस पी एफ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पी एफ, ओके। तो उसके बाद डी पी की वैल्यू क्या है x, डी पी की वैल्यू है x और पी एफ की वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ पे 2x लिख दिया बॉक्स में, x प्लस 2x आ गया 3x, ओके। तो उन लोगों ने ये फाइंड आउट करने को क्या बोला है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई विथ एक्टिविटी, मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना अंदर इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है ना बड़ा वाला उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे उसके एरिया से, ये छोटे वाला एरिया ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें ये रिमेनिंग वाला मिल जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोला, बड़ा वाला एरिया है उससे इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया मिल जाएगा। तो हमें पहले बड़ा वाला एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा और छोटा वाला तो गिवन दिया ही है, तो उन लोगों को सिमिलर दिखाओगे तो सेम रेशियो में आ सकते हैं, तो सिमिलर पहले दिखाना पड़ेगा। तो कौन से ट्राइंगल, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला ट्राइंगल सिमिलर दिखाना, तो देखो वही किया है दोनों ट्राइंगल्स मैंने लिख दिए। उसके बाद देखो सिमिलर दिखाने के लिए कोई दो एंगल्स चलेंगे सिमिलर, तो दो एंगल्स में से पहले दो एंगल्स उन लोगों ने लिख दिए, देखो एफ डी ई, एफ डी ई ये एंगल किसको सिमिलर होगा इसको, एफ डी ई सिमिलर किसको होगा इसको, तो इसे मैं नेमिंग क्या दूंगा एफ पी क्यू, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल एफ पी क्यू, तो करस्पॉन्डिंग साइड सिमिलर कैसे हुआ, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल ना, अगर दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है तो ये हो गई उसकी ट्रांसवर्सल, तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल, तो देखो रीजन दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल, सेम ये भी करस्पॉन्डिंग ही हो गए, तो यही दिया होगा। देखो नेक्स्ट एफ ई डी, एफ ई डी तो अगर ये दूसरे एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग हो गए तो यहाँ पे क्या होगा एफ क्यू पी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एफ क्यू पी, उसका भी रीजन सेम आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल। समझ में आ रहा है, मतलब दो एंगल्स मैंने सिमिलर कॉन्ग्रेंट दिखा दिए, देयरफॉर वो दोनों ट्राइंगल एक दूसरे को सिमिलर हो गए। कौन से टेस्ट, दोनों ही एंगल है तो ए ए टेस्ट आ गया, ओके चलो मतलब दोनों तो सिमिलर हो गए ट्राइंगल्स, तो उसके एरिया का रेशियो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो उसके एरिया का रेशियो कितना होता है, उसके साइड के स्क्वायर के रेशियो इतना होता है। देखो तो ये एरिया का रेशियो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू साइड के स्क्वायर के रेशियो उतना होता है, तो 3x, तो यहाँ पे तो बॉक्स है तो यहाँ पे मालूम नहीं क्या आएगा, लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने 3x दिया है, तो 3x किसको इक्वल है, 3x किसको इक्वल है डी एफ को ना, तो यहाँ पे आएगा डी एफ का स्क्वायर, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। 2x किसको इक्वल है पी एफ को, तो यहाँ पे लिखूंगा पी एफ का स्क्वायर। समझ में आ रहा है, बॉक्स कंप्लीट हो गए, तो इसका स्क्वायर सॉल्व किया, इसका स्क्वायर 9/4 आ गया, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ओके। उसके बाद क्या किया है, ये एफ पी क्यू, ये एफ पी क्यू ये जो ट्राइंगल है ना उसे हमने उठाया है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है 9/4 के, यहाँ पे देखो 9/4 के यहाँ पे एफ पी क्यू मल्टीप्लाई किया, क्या क्योंकि इसका एरिया फाइंड आउट करना है एफ डी क्यू, देखो एफ डी ई का एरिया फाइंड आउट करना है बड़े वाले ट्राइंगल का, तो क्या किया बड़े वाला ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो छोटे वाले को वहाँ पे लेके गए मल्टीप्लाई कर दिया। अब एफ पी क्यू का एरिया उन लोगों ने गिवन दिया, देखो एफ पी क्यू मतलब यहाँ पे नेमिंग अलग है यहाँ पे नेमिंग अलग है लेकिन एरिया तो सेम ही होगा ना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20, तो इसका आंसर क्या आएगा ना
फोर वन जा फोर फाइव जा नाइन फाइव जा 45, तो आंसर आ गया 45। तो ये एरिया है तो यूनिट आएगा, ओके 45 यूनिट आंसर मिल गया बड़े ट्रायंगल का। तो बड़े ट्रायंगल में से छोटा ट्रायंगल माइनस कर दो, आपको ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो बड़ा ट्रायंगल कौन सा है, ये लिख दिया माइनस छोटा ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल का एरिया है 45, छोटे ट्रायंगल का एरिया है 20, ये पुट कर दिया तो आंसर क्या आएगा 45 माइनस 20, तो आंसर आएगा 25 यूनिट। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल है ना, इसका डी पी क्यू ई, इसका एरिया मिला 25 यूनिट्स। खत्म। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो रही है, यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म हो रही है और यहाँ पे ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, मतलब खत्म हो गया ये चैप्टर यहाँ पे। तो ये न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं और ये एक्टिविटी टाइप के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं ना, वो 4 मार्क्स के लिए आते हैं, ओके। तो मैंने जितना ईजिएस्ट मैनर में हो सकता है उतना ईजिएस्ट मैनर में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर समझ में आया होगा तो लाइक भी करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, क्योंकि उन लोग डाइजेस्ट लेते हैं और रट्टा मार देते हैं। रट्टा मारना इतना ईजी होता है, लेकिन एग्जाम से अगर नंबर्स बदल गए, मतलब यहाँ पे देखो डाइजेस्ट में 2x दिया है लेकिन एग्जाम में अगर 3x दे दिया तो कैसे सॉल्व करोगे। तो हमें कंसेप्ट क्लियर करनी है, हमें कोई भी रट्टू पोपट जैसे कोई रटना नहीं है, ओके। तो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो चुकी है, इसकी अगर एक या दो बार प्रैक्टिस करोगे और डायरेक्टली फाइनल्स में भी देखोगे ना, तब भी समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि कैसे सॉल्व करना है, ओके। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तब तक तुम लोग स्टडी करो। All the best.